हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक वन के बारे में, जो कि यूनिट थ्री और चैप्टर का नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आगे बढ़ने से पहले हम तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस है क्या? ये बेसिकली एक पर्सन की कैपेसिटी होती है जिसमें वो अपना डेली वर्क, मतलब रूटीन का जो भी वर्क है, वो बिना किसी थकावट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आराम से कर लेता है। और ये सारा काम करने के बाद भी उस पर्सन के पास कुछ और काम करने के लिए पावर बची रहती है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रिकवरी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्विक होनी चाहिए, तभी हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, फिजिकली फिट पर्सन बोलेंगे। सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है वेलनेस। वेलनेस का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीता है, मतलब वो सभी चीज़ को बैलेंस रखता है, तो उसको हम कहेंगे वेलनेस। लास्ट टॉपिक आता है लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल का मतलब है जो किसी एक पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन के एटीट्यूड के बारे में या वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो कैसे जी रहा है, वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जीता है, तो उस पोर्शन को बोलते हैं हम लाइफस्टाइल। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में ही। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। यहाँ पर सेंटर में एक आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, और उससे बहुत सारे एरोज निकल रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से शार्प माइंड। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जिससे आपको पता पड़ जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस का। तो ब्रेन या माइंड शार्प होता है। सेकंड, आप हेल्दी लाइफ और लंबे समय तक जीते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपका फैट बॉडी से बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट, आपको बूस्ट एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलता है और स्टेमिना आपका बढ़ता है, आपकी बोन स्ट्रांग होती है और आपका मूड भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस के, जिसको हम आगे वाले वीडियोज के अंदर या आगे वाले स्लाइड्स के अंदर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस के 8 पॉइंट्स के बारे में। तो पहले बारे में बात करते हैं कि एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिट है, वो नॉर्मली किसी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा जिंदगी जिएगा, मतलब वो हेल्दी भी रहेगा और उससे ज़्यादा जिंदगी भी उसकी रहेगी, मतलब उसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। सेकेंड बात करते हैं कि आपकी बॉडी अगर फिजिकली फिट है तो आप नॉर्मल से ज़्यादा, जो नॉर्मल वर्क होता है, डेली रूटीन वर्क होता है, वो बिना किसी थकान के, बिना किसी फटीग के आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। इसमें एक और चीज़ होती है, अगर कोई फिजिकली फिट होता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी उसके अंदर बनती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हो अपने डेली रूटीन वर्क को अलग करके भी, मतलब डेली रूटीन वर्क के साथ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क भी कर सकते हो, मतलब आप एंटरटेनमेंट का कुछ वर्क कर सकते हो, एरोबिक्स, डांस, गार्डनिंग एक्सेट्रा भी कर सकते हो अपना नॉर्मल वर्क करने के बाद। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस फिजिकल फिटनेस करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स है, ये स्ट्रांग रहते हैं और इनमें बहुत ही कम चांसेस रहता है कोई सी भी बीमारी होने का, क्योंकि आप उनको कंटिन्यूस एक्टिविटी प्रोवाइड करते रहते हैं। लास्ट बात करते हैं स्ट्रांग एंड एक्टिव मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्योंकि आप फिजिकली फिट हो, एक पर्सन कोई सा भी, आप कोई सा भी उसको फिजिकल एक्टिविटी दे दो, वो बहुत ही आसानी से अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हुए, उसकी मसल और बोन्स को स्ट्रांग रखते हुए, जॉइंट्स और मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए और पोस्चर को बिल्कुल टोन्ड और अट्रैक्टिव बनाते हुए अच्छा रखेगा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फिटनेस के कारण कोई भी पर्सन कोई सी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आसानी से कर लेगा। तो लास्ट 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है कि जो भी पर्सन फिजिकली फिट होता है या फिजिकली फिटनेस अपनी लाइफ में रखता है, उसके अंदर रिकॉल करने की कैपेसिटी और मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब याददाश्त बहुत शार्प हो जाती है और लर्न करने या किसी भी चीज़ को याद रखने की कैपेसिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेकंड बात करते हैं तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपकी जो
ब्रेन सिस्टम है वो आसानी से वर्क करेगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा और आपकी बॉडी इमेज भी पॉजिटिव बनी रहेगी। लास्ट सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो टू गेट रिड ऑफ एक्सट्रेस फैट, मतलब एक्सेस फैट जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि आप डेली एक्टिविटीज करते हो, वर्क करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रही। अगर स्टोर नहीं हो रही है मतलब फैट का अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, मतलब फैट इकट्ठा नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, अगर रेगुलरली फिजिकल फिटनेस पे वर्क करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। इसके मतलब है कि आप कभी भी ओबेस की कैटेगरी में या फैट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लास्ट आता है टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए और माइंड के हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और एक पर्सन जो कि फिट है वो हमेशा हैप्पी और जॉयफुल रहता है, और जिसके कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसकी पॉजिटिव बॉडी इमेज भी बनती है। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं वेलनेस के, मतलब वेलनेस इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारी लाइफ के अंदर। वेलनेस की डेफिनेशन तो हमको पता ही है, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस, मतलब अपनी लाइफ जो है वो बिना स्ट्रेस के रहे। सेकंड, अपनी हेल्थ अच्छी रहे, आप एक सोसाइटी के बहुत ही एक्टिव मेंबर हो, गुड सिटीजन बने। अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो पीक पे हैं वहां तक पहुंच सकें और आप अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी रख सकें, जिसको हम आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस की। तो पहले पॉइंट है टू लिव ए हाई क्वालिटी लाइफ, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन फिजिकली फिट है और वेलनेस भी है उसके अंदर, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा गेम्स के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर, और उसके अंदर दूसरे पर्सन के साथ वर्क करने की जो क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, वो भी ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो टू अचीव मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर वेलनेस की जहाँ तक बात करते हैं, अगर आप सबसे अच्छे रहते हैं, सब काम अच्छा करते हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप क्या होगी, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो क्योंकि उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी तो बिल्कुल हेल्दी रहेगा मेंटली भी और फिजिकली भी, जिसके कारण उसका अल्टीमेट क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट ही होना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टू बी ए गुड सिटीजन। एक गुड सिटीजन को पता होता है कि उसके राइट्स और ड्यूटीज क्या है। अगर एक पर्सन बैलेंस बना ले खुद के राइट्स और ड्यूटीज के बीच में, तो वो एक गुड सिटीजन भी हो सकता है, जो वेलनेस के थ्रू हम पा सकते हैं। पॉइंट फोर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है टू लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसका मतलब है अगर एक पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है तो उसको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी, और वो इन सब से आसानी से क्या कर सकता है, लड़ सकता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर बाय चांस कोई नेगेटिव इफेक्ट आ भी जाता है, नेगेटिव थॉट आ भी जाता है, तो जो पर्सन फिजिकली फिट है और वेलनेस है, मतलब मेंटली भी स्टेबल है, फिजिकली भी स्टेबल है, तो वो इन सारे इमोशंस से क्या कर लेता है, कोप अप कर लेता है, मतलब लड़ लेता है, और वो एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टू एंजॉय द लाइफ। इसका मतलब है अगर एक पर्सन को पता है कि वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशल फिट है, मतलब कैपेबिलिटीज हैं उसमें, सारी नॉलेज है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली के बारे में, तो वो पर्सन अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉयफुल यानी जॉयफुल तरीके से जी सकता है। इम्पॉर्टेंस ये भी है कि वेलनेस के कारण आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं और आपके माइंड हैप्पी हो सकता है। सिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप वेल हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है दूसरे पर्सन के साथ अटैच होने के लिए, मतलब एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट बनता है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल एक्टिविटीज में, और इसके बिहेवियर के कारण आपका मोरल बिहेवियर भी इंक्रीज होता है और आप एक बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं किसी भी एक सोसाइटी के अंदर। तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर हमको तीन कॉर्नर्स मिलते हैं और बीच में लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये तीन चीज़ों को आपको डिनोट करता है। एक ये इनेबल यू बेटर कॉप अप विद स्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेस को अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हैं। सेकेंड, आपकी एबिलिटीज इससे इम्प्रूव होती है और आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो पहली बात करते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है,
तो उसकी बॉडी की मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, टॉलरेंट होती है और उसकी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और अच्छा कोऑर्डिनेट करती है। इसके कारण वो अपनी लाइफ को सिंपल और इजी तरीके से जी सकता है और अपनी बॉडी के इम्प्रूवमेंट कर सकता है, जिसके कारण वो एक क्वालिटी लाइफ को भी स्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज लॉन्गेविटी। इसका मतलब है अगर आपकी बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, तो आपकी जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है वो बहुत ही लेट आएगी। मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है, फिट है, तो आपको एज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा और आपको जो रिस्क है डिसीजेस का वो भी बहुत कम हो जाता है और आपकी जो एज है वो बढ़ जाती है, मतलब लेंथेंस हो जाती है। थर्ड बात करते हैं प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस नहीं होती, मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा नहीं होता, जिसके कारण आपका हार्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिसके कारण आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। इसका मतलब ये है कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको हार्मोन्स के बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका हार्मोन का बैलेंस भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जिसके कारण एक पर्सन डिप्रेशन में जाए ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप क्या रहें हेल्दी लाइफस्टाइल को फोकस करें तो। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो लिखा है इंक्रीज एनर्जी लेवल। इसका मतलब है जो पर्सन हेल्दी है, लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से जी रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी पहले से रहेगी, भरी हुई रहेगी और वो उत्साह से हमेशा काम करने के लिए कुछ भी रेडी रहेगा। अपनी वर्क को डिवोशनली तरीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। इसका मतलब है जो पर्सन हेल्दी है, लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से जी रहा है, तो वो सभी चीज़ों के लिए अवेयर रहेगा। नेक्स्ट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रहेगा और वो मेंटली टफ रहेगा, मतलब उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। अगर आप हेल्थ हैं, हेल्दी हैं, लाइफस्टाइल अच्छी जीते हैं, तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रेस, प्रेशर और वरी इतना प्रॉब्लम नहीं देता, इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं डेवलप हो पाती और आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। लास्ट पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है इम्प्रूव पोस्चर। इसका मतलब यह है कि अगर एक पर्सन हेल्दी है, इंडिविजुअल अच्छा है, अच्छी लाइफस्टाइल को जीता है, तो उसका पोस्चर भी अच्छा रहता है, जिसके कारण उसको हार्ट हर्ट होने की, मतलब लगने की या चोट लगने की बहुत ही कम रिस्क होते हैं। और इसके कारण अगर बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है तो आपकी बॉडी सुंदर भी दिखती है। अगर हम बात करें कि जो पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है तो उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी, और अल्टीमेटली ये सब क्या करता है, एक पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है और उसको पॉजिटिव रहने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण उस पर्सन का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट भी आसानी से हो जाता है। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए इजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।